स्वागत है आपका आज किसी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज जो है वो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, एक्चुअली आज होने वाला है एक टेस्ट। आप समझे जो मार्केट में इतनी हाइप चल रही है वो वाकई रियल है या सिर्फ ऐसे लोग लिखा हुआ है या पढ़कर अपनी तरफ से बना रहे हैं। सो गाइस, मैं चाहती थी कि मैं उस हाइप को क्यों ना टेस्ट किया जाए कि वो वाकई में सही है, लोग सही बोल रहे हैं या नहीं, या सब ये सब सिर्फ फेक मिसकंसेप्शन हैं। सो गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ गार्नियर 30X वाइटामिन सी सीरम के बारे में, जो कि मार्केट में इसकी काफ़ी हाइप बनी हुई है। जो कंपनी ने भी खुद बोला है कि 3 दिन में ये आपके डार्क स्पॉट्स हटाएगा, ठीक है, आपके रिंकल्स जो भी हैं, ऑयली वगैरह ये चीज़ें, पिंपल्स, ये सब जो है वो क्लीन करेगा। ये कंपनी ने खुद क्लेम किया है। ये जो टेस्ट है ये पूरे 3 दिन चलेगा। फर्स्ट डे हम दिखाएंगे आपको, फिर सेकंड डे क्या रिजल्ट है और थर्ड डे लास्ट डे जो है उसका क्या रिजल्ट आता है। सो गाइस, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके बारे में क्योंकि अभी मैंने ट्राई ये नहीं किया है, आप ही के साथ इसको हम ट्राई करने जा रहे हैं। सो पहले मैं आपको इसका बॉटल और सब कवरिंग दिखा रहा हूं। गाइस, द बॉक्स, गाइस ये इसका बॉक्स है और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोज दिखाती हूँ। सो गाइस, ये वो बॉक्स है, देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है 30X वाइटामिन सी ब्राइट कंप्लीट बूस्टर सीरम स्पॉटलेस ब्राइट स्किन इन 3 डेज, इस पर लिखा हुआ है गाइस ये। और इसकी मार्केट में इतनी हाइप बनी हुई है कि ये 3 दिन में जो है ये सबको बहुत कम कर देगा, स्पॉटलेस स्किन कर देगा, ब्राइट स्किन कर देगा। गाइस, ये पैकेजिंग आप इसकी देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये भी बने हुए हैं इस पर कि मतलब थर्ड डे पर आपका ऐसे स्पॉट्स होंगे, सेकेंड डे कम हो जाएंगे, फर्स्ट डे क्लीन हो जाएंगे। सो गाइस, ये क्यों ना हम ट्राई करके देखेंगे, हमें ट्राई करके ही पता चेलेगा कि एक्चुअली रिजल्ट इसका कैसा है। गाइस, ये जो बॉटल है वो है हमारी 50 ml की बॉटल। और गाइस, सबसे पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं, लेट्स सी। सो गाइस, ये बॉटल है, दिखने में तो खैर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये जो बॉटल है वो कांच की है और दिखने में तो ये खैर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओपन करके देखते हैं इसको। सो गाइस, देख सकते हैं आप, ये दिखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है, बट मैं इसको फर्स्ट टाइम आप ही के सामने अप्लाई करने वाली हूँ। सो देखते हैं गाइस क्या रिजल्ट रहता है इसका। गाइस, इसको हम ट्राई करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ ये बिल्कुल भी ऑयली ना हो, स्टिकी ना हो, ज़्यादा वेट, ज़्यादा इसका हैवी वेट ना हो, लगाने में काफ़ी लाइट एंड सी हुई है और प्लस ज़्यादा ऑयली ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये लगाने के बाद ऑयलीनेस ना हो, इसमें स्टिकीनेस हो गाइस, क्योंकि ऑयली स्किन है हमारी ऑलरेडी, और अगर ये भी ऑयली निकलेगा तो हमारे एक्नेस हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ऑयली स्किन वालों को तो खासतौर से, क्योंकि अगर ये भी ऑयली निकला और आपकी भी ऑयली स्किन है, सो इट्स अ बिग नो टू यूज़ दिस। सो गाइस, सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं अपने फेस पर और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाना है। सो गाइस, आपने इसको फेस वॉश करके लगाना है, अपनी क्लीनिंग, टोनिंग, आप जो भी करते हैं फेस बिल्कुल क्लीन करके, सारे जितने भी डस्ट है वो सब रिमूव करके आपने सीरम को यूज़ करना है। ऐसे नहीं हो कि आपने फेस वॉश ही नहीं किया और डायरेक्टली इसको अप्लाई कर लिया, सो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आएंगे और आपके जो पैसे हैं वो भी ख़राब होंगे। सो उससे बेटर है आप कोई भी चीज़ जो भी लगाना चाहें उसे फेस वॉश करके ही लगाया करें तो ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाना है, रिजल्ट गाइस इसका 3 दिन बाद आएगा, तो आपको 3 दिन बाद ही मैं इसका सही रिव्यू दे पाऊंगी। फिलहाल लगाते वक्त देखते हैं कि ये कैसा है और कैसी फील आती है इसको लगाते वक्त। सो गाइस, ट्राई कर, ज़्यादा नहीं लगाना है गाइस, आपको थोड़ा सा लगाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है गाइस। हमने इसको अपने फिंगर टिप से हल्का हल्का मसाज करना है गाइस, फिंगर टिप से आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है अच्छे से, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है इसकी, बहुत लाइट गाइस लगाने में तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लगा है सीरियसली। और स्मेल की बात की जाए तो वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस पर 30X लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्मेल है, बहुत लाइट सी स्मेल है इसके अंदर जो कि बहुत अच्छी लग रही है। सो गाइस, सीरम जो है वो हमारा अप्लाई हो चुका है, बट गाइस रिजल्ट हमारा वो 3 दिन बाद ही आएगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। सो गाइस, 3 दिन हमें वेट करना पड़ेगा, आज हमारा फर्स्ट डे है, कल भी हम इसको लगाएंगे एंड देन जो थर्ड डे हमारा उस पर भी हम इसको लगाएंगे, तो गाइस जो फोर्थ डे होगा उसकी मॉर्निंग में इसका एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल मैं आपको जो कल इसका रिजल्ट आने वाला है वो दिखाऊंगी। सो गाइस, वेट करते हैं एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए, बाय बाय। गाइस, कैसे आप सब लोग? गाइस, हमारा फर्स्ट डे जो है वो फिनिश हो चुका है, यानी कि हमने फर्स्ट डे जो सीरम अप्लाई किया था, अब बताना ये है कि रिजल्ट का क्या होता है। सो गाइस, रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, सो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब जैसे हाइप बनी हुई है कि 3 दिन में सारे स्पॉट्स चले जाएंगे, अगर मैं बात करूँ
फर्स्ट डे के रिजल्ट की, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट रिजल्ट आया है. रिजल्ट आया है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया है बट बहुत लाइट रिजल्ट आया है. 1% भी रिजल्ट नहीं आया है, सिर्फ 0 समथिंग आप कुछ रिजल्ट को कह सकते हैं. मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ एकदम से 10% ही जो है कम हो चुके हमारे डार्क स्पॉट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हो चुका है डार्क स्पॉट्स, हमारी स्किन ब्राइट हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. 5% समझ लें, 0.9% समझ लें, बस इतना ही समझें, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस स्पॉट्स में और ब्राइट स्किन में नहीं आया है. सो फर्स्ट डे का तो गाइस यही रिजल्ट है. आज सेकंड डे है, अब इसको सेकंड डे फिर से अप्लाई करते हैं और फिर मैं आपको सेकंड डे के रिजल्ट के बारे में कल. गाइस हमने इसको लगाना ऐसे ही है, डे में भी और नाइट में भी, जैसे इन्होंने बोला है हम वैसे ही करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इन्होंने बोला है हम वैसे ही करें ही ना, तो फिर रिजल्ट के बारे में भी जाहिर है नहीं पता चल पाएगा हमको. ऐसे ही बहुत लाइट सा लेना है हमको और अच्छे से बोल रहे फेस पर लगाना है. सो गाइस लग चुका है हमारा सीरम, अब वेट करते हैं सेकंड डे के रिजल्ट के लिए. सो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बस आपको अगर अपने विटामिन सी का रिव्यू देना चाहूँ तो गाइस वो ये है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को ले तो ये सोच के बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि वो 3 के अंदर, जो कंपनी ने क्लेम किया कि 3 में आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं ब्राइटन स्किन ये हो जाएगा, तो ये सोच के बिल्कुल मत लीजिएगा. स्पॉट्स कम से कम उस सीरम को अगर आपको यूज़ करना है अपने स्पॉट्स और ब्राइटन स्किन के लिए, तो वो आपको एटलीस्ट कम से कम 15-20 अपने फेस पे लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई रिजल्ट नज़र आएगा. क्योंकि मैंने 3 लगाया है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, मैंने सोचा जल्दी से रिव्यू दे देते हैं. तो 3 जो मैंने लगाया है उसके बाद रिजल्ट यही है कि 3 में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. और आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बट ये है कि अगर आप जा रहे हैं इससे पहले तो क्यों ना, हम लोग भी यही करते हैं गाइस, कोई चीज़ लेने से पहले ना यूट्यूब पे जाके इसके बारे में सर्च करते हैं, क्योंकि लोग उसके बारे में रिव्यू देते हैं अपने, तो वो ज़्यादा बेटर है. कोई भी महंगी चीज़ या स्किन के लिए कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं तो पहले उसके बारे में चेक करें. ऐसे नहीं कि किसी ने बोला है तो आप जाकर फटाक से लेना, ऐसे मत किया करें. कोई भी स्किन की चीज़ है, चाहे वो मेकअप हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी फेस या बॉडी पे, क्योंकि हमारी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है, सबकी अलग अलग स्किन टाइप्स होती है, किसी की सेंसिटिव होती है. इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई भी चीज़ लेनी है तो पहले यूट्यूब पे अगर उसका रिव्यू देखें, कि यूट्यूब हर चीज़ बता देता है, आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं. तो वो गाइस मेरी तरफ से तो यही रिव्यू है इसका, कि 3 में आपको कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं नज़र आएगा. अगर रिजल्ट नज़र आता भी है तो वो होगा एटलीस्ट 100 में से आप समझें 5-8% तक रिजल्ट आपको 3 में नज़र आएगा. अगर आप और चाहते हैं कि और इसका रिजल्ट हो तो आपको कम से कम 15-20 तो इसको यूज़ करना ही पड़ेगा. सो गाइस हमारी तरफ से आज के ब्लॉग में बस इतना ही. होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.